जी, तो कैसे ऐसे ही गिर गिर हुए थे? कंबल कुंबल था, कंबल में थी, साथ में दूध की बोतल भी थी जी। भाई जब मैं यहाँ के गाड़ी पार्क की तो पार्क करने के बाद बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी, तो मैंने पुलिस वाले को बुलाया। 7-1 बजे छोड़ गया कोई अंधेरे में? हाँ, अंधेरे में रख गया, अंधेरे में रख के गया कोई, क्योंकि सारे अपने काम में लगे हुए हैं। नाक बेकार है, तेरे आदमी है लड़की के लिए तड़प रहे, लड़की हो जाए, लड़की भी नहीं मिल रही। क्यों कंबल मत रखना, बच्चा है। और ऐसे लोग कहाँ से पैदा हो गए हिंदुस्तान में जो एक तरह बच्चे का आत्मा? अब तक कितने दिन की होगी बच्ची वो? एक दिन की लग रही है बस, एक दिन की होगी। इसमें ऐसा मेरे को नहीं लगता कि वो पाप छुपाने की कोशिश करी गई है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बच्चे को पैदा होते ही फेंक देते। तो आपने दूध पिलाया? दूध लिया, उसको गर्म करके पिलाया बच्चे को, फिर पुलिस को फोन किया। ये पड़ोसी तो बता रहे हैं कि गुरुद्वारे से ये बाहर आए थे और उन्होंने आके देखा, अंदर गए ही थे तो यहाँ पे बच्चे के रोने की आवाज आई। शर्मा की राम राम। देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पे गुट्टा टेक भाई। वृद्ध आश्रम और अनाथ आश्रम, ये दो ऐसी जगह जिनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि संख्या बढ़ रही है उन बड़े बुजुर्ग की, जिन्हें उनके बालक यानी कि जो बड़े हो चुके भाई नहीं संभाल पाते, उन अगर तक काट दे चाहे कारण कुछ भी रहा हो, तालमेल नहीं बिठा पाते। और दूसरा उन अनाथ बालका की, जिन्हें उनके माँ बाप छोड़ दें, या तो वो छोरी हो भाई, जो लोग छोरी नहीं चाहते उसने वे की भी छोड़ कर चले जाओ। और दूसरा अपना पाप लगोड़ खातर जो ये आज की युवा पीढ़ी है, पाप लगोड़ खातर अपना, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप की मान्यता तो सरकार भी देवे भाई, इन पाप करने का मौका तो सरकार भी देवे, उसके बाद जो संतान पैदा हुआ है, क्योंकि ये युवा पीढ़ी अपना नाम उसने नहीं देना चाहती बिना शादी के, और ये स्पष्ट नहीं करना चाहती कि भाई वो हमारा पाप है, तो उसने वाकई भी छोड़ कर चली जावा। ऐसा एक मामला आड़ा हुआ है, हम पानीपत के मॉडल टाउन में खड़े हैं और मैं अपने पर्दे का नहीं दिखा दी, पर वो जाटल रोड का नहीं जान लग रही है जगह, वो जो चौक आप देख रहे हो वो जाटल रोड का है, और उर्ले का नहीं मैं आपने दिखा दूँ, तो ये रहा असंध रोड का नहीं जावा आड़ा मॉडल टाउन हम खड़े हैं। और आड़ा एक वाक्य होया है, कल रात लगभग 9:30 बजे के आसपास की बात है, जब एक 10 महीने तक लेकर एक 10 दिन की छोरी तक लेकर एक महीने तक की उसकी उम्र बताई जा रही है, उस छोरी की, छोरी थी वह बच्ची थी जिसने पता नहीं उसकी माँ पता नहीं उसका बाप, या बात हम जानने की कोशिश करेंगे, उसने आड़ा या जो जगह आप देख रहे हो आड़ा छोड़ कर चले गए। एक गोलगप्पे वाले का ठैया आड़ा था, वो इंसान ना होगा कहला था वो आड़ा, उसके ठैया पर धर कर चले गए, कोई आड़े तक गुजरे था आदमी, उसने उसकी आवाज़ सुनी तो उसने आवाज़ संभाली। और जो मौके पर थे इस टाइम आड़ा, ये फल विक्रेता ना आप देख रहे हो, ये भाई साहब इस टाइम मतलब उस टाइम मौके पर थे जब कल रात की बात है, इन टाइम बातचीत करेंगे, हालांकि दुकानदारी का समय है, ज़्यादा तंग भी नहीं करेंगे ना, पर हमारी कोशिश रहेगी इन तब बातचीत करी जावा। भाई साहब कुछ समय है आपके पास? अच्छा, एक बार तो नाम बताओ जी अपना। लवली नाम है जी। लवली भाई साहब क्या हुआ था, किस टाइम की बात है ये? ये जी 7:30 बजे करीब बात है। 7:30 बजे की? ये तो एक तरह से इतनी रात में ऊपर तक चलता रोड है तो बहुत रौनक भी रहा यहाँ पे। जी रौनक पूरी थी। एक हिसाब से मैं कहूँ तो दिन दाड़े हो गए हो काम तो। ये अंधेरा था थोड़ा, पीछे अंधेरा था थोड़ा। अच्छा, तो कौन? मोटरसाइकिल खड़ी थी, एक मोटरसाइकिल में गाड़ी जुड़ी हुई थी पीछे। अच्छा, उसमें एक कंबल में बच्ची लिपटी हुई पड़ी थी। अच्छा, मोटरसाइकिल थी गोलगप्पे वाले की? हाँ, उसकी मोटरसाइकिल थी, उसमें एक बच्ची कंबल में लिपटी हुई रखी थी। वो 7:30 बजे कोई रख के गया उसके आसपास, या फिर 7:30 बजे आपने देखी? 7:30 बजे देखी लोगों ने, सब ने मिलकर यहाँ देखी। अच्छा। और देखने के बाद बच्ची के रोने की आवाज़ आई, जब उसको देखे गया मौके पे, फिर गोलगप्पा वाले को बुलाया गया, उसको बताया भाई तेरी गाड़ी में यहाँ बच्चा पड़ा है रोने की। टाइम तो अपनी रेडी पे काम चालू होगा उसका, मोटरसाइकिल व्हीकल था नहीं, जैसे वो गोलगप्पे जो रेडी लगाता है गाड़ी यहाँ करता है, गाड़ी बंद तो नहीं करी होगी ना रेडी? नहीं नहीं, उस टाइम बंद नहीं करी थी उसने, चालू थी। फिर 112 भी डायल किया नंबर, पुलिस आई मौके पे, सब आए, कार्रवाई हुई, बच्ची को ले गई। अच्छा, सबसे पहले किसने देखा था ये? ये एक भाई थे और हम थे यहाँ, उसने बुलाया था गाड़ी खड़ी करी ना कैसे, उसने बताया कि यहाँ यार बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही तरह, जैसे गाड़ी से हो राहगीर था कोई। हाँ, राह चलते आते दुनिया भर आते हैं हम, उसने बताया कि बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है यहाँ पे। उसके बाद हम चले गए तो वहाँ कंबल में देखी, 10 मिनट तक हमने वेट करा, कोई आए कोई नहीं आया उसका बारिश। आपने यह कोशिश तो करी होगी उसका किसी ने वैसे दर्द दिया तो कोई लेन आ जाए किसी की? 10 मिनट तक देखा, चलो सर 10 मिनट तक देखा हमने, कोई नहीं आया, जब 112 पे फोन करेगी। अंदाज सर कितने की उम्र की थी वह, मतलब कि उम्र मतलब 10 दिन की उम्र तो कोई एक महीना बता रहा है आज बताई गई है उसकी सरकारी में उम्र 3 महीना। 3 महीना पूरी 3 महीना? अच्छा, कोई 10 कोई 2 दिन बताता भी असली 3 महीना जच्चा थी, कोई क्लियर नहीं हो पाता। हालांकि 10 दिन की तो पता चल जाए साफ। छोटी बच्ची है, ज्यादा सूखी है, बीमार है वो, ध्यान भी रखा होगा।
ये तो पता नहीं कोई लड़का डर गया था, कोई लड़की डर गई, लड़के डर गए क्योंकि दिन में यहाँ लड़के घूम रहे थे उसी कंपनी में। अच्छा अच्छा, सीसीटीवी कैमरे भी लगे होंगे आसपास? हाँ, इस रविंद्रा वाले में थोड़ा धुंधला है, साफ दिखाई नहीं दिया। पुलिस वालों ने देखिए वीडियो, उसमें साफ दिखाई नहीं दिया, धुंधला आया जी। अच्छा, कारण क्या लगा अपना? आप भी क्या बता सकते, कुछ किसी ने अपना पाप लगाया, छोरी थी इस कारण पाप पो पे छुपा किसी ने, और क्या कर गए चोरी अपनी। क्योंकि ऐसी व्यवस्था है, यदि कोई अपने बालक ना नहीं पालना चाहता तो कम से कम कई जगह पालने रखे हुए हैं कि वहाँ पर छोड़ दे, लेकिन इस ठंड में जिसमें उसकी उम्र भी कम थी, बतेरे आदमी है लड़की के लिए तड़पने, लड़की हो जाए, लड़की भी नहीं मिल रही, और ऐसे लोग कहाँ से पैदा हो गए हिंदुस्तान में जो एक कर बच्चे की आत्महत्या कर रहे, बताओ। उसको दोबारा भी दे दे तो मिल जाए, वो तो फिर छोड़ दे उसको। अच्छा, इतना यहाँ के लोगों ने फिर संभाली वाला लड़की? हाँ, यहाँ के लोगों ने संभाली, एक लड़की ने दूध पिलाया, दूध गर्म करके लाए हम चम्मच से, उसको दूध पिलाया गया। चलो भाई, ये तो हमारी गिल थी, पर इसकी और ज़्यादा जानकारी हम ले होंगे भाई, एक जासूस था और जासूस कोड वो अपना बता दूं भाई, कई मामले जो पुलिस तक नहीं सोल्व कर पाती वो मामले ये सोल्व करता है। मैं अपना उस जासूस का नाम भी बताऊंगा, उसने दिखाऊंगा भी, पर फिलहाल या जगह ना जी आड़े वो जगह जड़े उसकी रेडी लागे अगर थी गोलगप्पे वाले की मोटरसाइकिल पर बांध के लिए गया था वो। अरे भाई, वह जासूस वो है, अगर नाम कैस का भैया राग की एजेंट होनी चाहिए थी, पता नहीं थी हमने नहीं बेरा, क्योंकि वो मामले भी सुलझ जाता है जिसने कोई नहीं सुलझा पाता। अपने उस एक बार दिखा दूँ जासूस कौन है, वह जासूस है भाई समाज सेवी का सविता आर्या, और इनके बारे में अपना बता दूँ भाई, ये समाज सेवा के कार्यों में अग्रणी रहा है और बहुत से ऐसे केस ही सोल्व करे हैं जो पुलिस भी नहीं कर पाई है। और एक बात और मैं इनके बारे में बता दूँ भाई, ये नारी तू नारायणी उत्थान समिति की अध्यक्षा भी हैं और लगातार इस तरह के काम ये कर दे रहे हैं, जिस चाहे वो महिलाओं ने लेकर हो, चाहे वो छोटे बच्चों लेगा हो, और बहुत से ऐसे मामले आए हैं जड़ा इन उन बालका के माँ बाप का पता लगाया है, जिनके माँ बाप का पुलिस भी नहीं पता लाश के थी, और वे अपना पाप लगोड़ खातर या फिर वह छोरी थी जाए तो उसने किटी छोड़ कर चले गए, और इन अपने स्तर पर पूरी इसकी जांच पड़ताल करी, और एक बार इन तय बातचीत करूँ मैं, और आड़े भी जासूसी के काम में लाग रहे हैं, देख लो इन्हें आस पड़ोस में पता कर रही है आड़े पुलिस या आपने कोई दिख रहा हो, वे अपना काम कर चले गए, जो काम उनको होया वो न करा, पर ये लगातार कोशिश कर रही है अक बेरा लग जाए, अक वो जो छोरी थी किसी का पाप था कोई ना उधर गया के बात थी। एक बार तो जीरा ब्राह्मण दो बार। अच्छा, नु बताओ आपकी तहकीकात में कुछ सामने आया है? देखो अभी तक तो यही बता गया कि भी दो आदमी थे जो शाम तक 5-6 बजे तक घूम रहे थे कंबल आदमी में थे। हाँ, कोई कंबल में बच्चे को लेके इधर उधर घूम रहे थे, और उन्होंने मौका पाके यहाँ पीछे यहाँ पे एक रेहड़ी खड़ी थी, रेहड़ी में बच्चे को रख दिया है, लेकिन उन्होंने जानबूझ कर ही बच्चे को इस तरीके से इस जगह रखा और इस टाइम रखा, क्योंकि 9 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाती हैं, उनको पता था कि 9 बजे के बाद अगर यहाँ पे रखेंगे तो बच्चे की मृत्यु हो सकती है रात को ठंड के कारण। या एक झोलमेल है इसमें जी, वो कह रहे 7:30 बजे दे रहे थे, 7:30 बजे तो आड़ा पूरी चलता रोड है, ये तो दिन दाड़े काम हो गया। नहीं नहीं नहीं, क्या है कि 6 बजे के आसपास वो इधर से घूम रहे थे, बताया गए हैं कि यहाँ घूम रहे थे, और 7 बजे उन्होंने मौका लगा के यहाँ पीछे बच्चे को रख दिया। कहने का मतलब ये है कि उनकी कोई ना कोई ऐसी मजबूरी थी जिसके कारण बच्चे को उन्होंने ऐसे सार्वजनिक जगह इसीलिए रखा, पाल नहीं सकते। हाँ, इसीलिए सार्वजनिक जगह रखा गया है कि बच्चे को कोई देख ले और जल्द से जल्द उसको हॉस्पिटल में भिजवा दे या पुलिस को बुला ले, क्योंकि अगर उन्होंने बच्चे को फेंकना होता, अगर बच्चे को मारना होता तो वो कहीं किसी ऐसी जगह झाड़ियों में या कहीं ऐसी जगह मतलब बच्चे को फेंकते, उनकी मनसा भी रखने की यही थी कि बच्चे को कोई देख ले और देखने के बाद बच्चे को वो हॉस्पिटल तक कोई पहुंचा दे, नहीं तो रात को 9 बजे के बाद अगर 10 बजे के बाद फेंकते तो शायद बच्चे की सुबह तक मृत्यु हो जाती, क्योंकि रात को ठंड बहुत ज़्यादा थी और कोई न देख पाता तो बच्चे की मृत्यु हो सकती। अच्छा, सवाल आपने पहले भी करे गए हैं, इब भी हैं, एक तो या तो वो छोरी हो जाए तो छोड़ गया उसने, दूसरा कई बार ऐसा हक मान लो लेडीज ना आई हो पर कोई अपना पाप लगाने खातर, देखो पक्का तो कुछ नहीं कह सकते हैं, वो तो पुलिस की जांच। देखो ये जांच का विषय है कि ये क्या हुआ है, कि बेटी होने की सजा भी हो सकती है, कि कई बार क्या होता है कि गरीबी के कारण भी बच्चे को नहीं पालने में सक्षम नहीं होते, आपको पता है कि दहेज प्रथा इतनी ज़्यादा बड़ी हुई है कि वो सोचते हैं पहले बेटी को हमने पढ़ाना पड़ेगा फिर उसको दहेज देना पड़ेगा, और कई बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, सोचते हैं कि भाई कहीं 5 साल की बच्ची के साथ 10 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हो जाती है, तो लोग सोचते हैं डरते हैं कि भाई कहीं हमारे बच्ची के साथ भी ऐसी घटना ना हो जाए, वो पढ़ने में कहीं ना कहीं सक्षम ना होना, वो उसके बच्ची के शरीर को देख कर उसकी तबीयत को शायद ठीक नहीं है, बच्ची को कोई ऐसा लगता जैसे कोई बीमारी हो, ऐसा भी हो सकता है कि गरीबी के कारण बच्ची का इलाज नहीं कर पा रहे हों और इसी कारण उन्होंने बच्ची को छोड़ दिया हो, कि कम से कम बच्ची की परवरिश अच्छी हो जाए, बच्चे का इलाज हो जाए। खरा न्यू देखा जावे है अपना पाप लगाने खातर भी लोग ऐसा करें, मैं फिर एक मैं फिर दोहरा दूं, नहीं नहीं ऐसा भी हो सकता है, गंड खरा हुआ है, आपने इसे मामले बहुत से सोल्व करे हैं हमारे यहां के, सुन लो आप जी, ऐसा हो सकता है
कि पाप छुपाने की कोशिश करी जाती है। कई बार लड़का और लड़की अभी भाई होते हैं, उनकी दोस्ती हो जाती है या उनका प्यार होता है, वो संबंध एक गलती कर देते हैं, वो संबंध बना लेते हैं, किसी कारण वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं, उनको नहीं पता होता और बाद में पता लगता है कि ये बच्चे की माँ बन गए तो बच्चे को जन्म नहीं दे पाती, ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन इसमें ऐसा मेरे को नहीं लगता कि वो पाप छुपाने की कोशिश करी गई है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बच्चे को पैदा होते ही फेंक देते। अगर एक महीने के बाद बच्ची को फेंका गया तो उसमें ये आशंका नहीं लग रही कि भाई बच्चा पाप छुपाने की कोशिश करी। इसमें कहीं ना कहीं गरीबी के कारण बच्चे को छोड़ा गया है, या कहीं ना जैसे बीमारी कुछ हो सकती है, बच्चे को इलाज नहीं करवा पा रहे थे, या उनको पहले ही एक दो बच्चा पर लड़कियां होंगी तो इस वजह से बच्चे को उसको पुलिस की के कितने कुछ कार्रवाई आपकी पुलिस तभी लगातार लिंक बने रहे हैं, संबंध मतलब कॉन्टैक्ट में रहा है। जांच अधिकारी से भी मेरी बात हुई थी, वो रात को भी 11 बजे के आसपास भी यहाँ पे सारे CCTV फुटेज पुलिस चेक करके गई है रात को भी, और अब भी पुलिस आई हुई थी, वो भी अपने लेवल पे लगे हुए हैं। और मैं भी मतलब जैसे कोई दुकानदार है, इनको अपना नंबर दिया है अभी आस पड़ोस में, कई बार ऐसा होता है कि एक दूसरे को कोई पहचान लेता है और पुलिस को बताने से डरते हैं, तो इनको बताया कि भाई पुलिस को ना बताते तो आप कम से कम मुझे बता दो, और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी परिवार के ऊपर अगर ऐसी कोई बात होती है। अच्छा आडा अपना महिलाओं तो पूछताछ करिए, गणा था पूछा उसमें आपने के कुछ बस इसमें ये महिला ये पड़ोसी तो बता रहे हैं कि गुरुद्वारे से ये बाहर आए थे और उन्होंने आके देखा, अंदर गए ही थे तो यहाँ पे बच्चे के रोने की आवाज़ आई, पुलिस आई हुई थी तभी इन्होंने बाहर निकल के देखा। और ये भी इनकी भी कहने का मतलब यही है कि अगर रात को 9 बजे के बाद अगर बच्चे को छोड़ते तो शायद बच्ची जीवित नहीं मिलती। थाना कौन सा तहसील कैंप है? नहीं मॉडल टाउन थाना लगता। तो भाई समाज सेविका सविता रिया अभी भी देखो पुलिस आड़े नहीं है, पर ये आड़े हैं क्योंकि ये लगातार कोशिश कर रही है कि उसका कुछ ना कुछ बेरा लग जाए, कौन थे और के मजबूरी रही या के कारण लागो छोरी ने छोड़ कर चले गए, कुछ भी हो सका भाई, संभावनाएं हैं स्पष्ट तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। पर जिस हमने जो ये पाप छुपाने की बात ज़्यादा कर रही, क्योंकि आजकल जो है लिव इन रिलेशनशिप की है जो प्रथा है एक तरह से, यह ज़्यादा बढ़ रही है, प्रथाएँ हो रही है आज के टाइम में, और भी बहुत सी चीज़ें हैं भाई, कोई छोरा छोरी यदि किसी होटल में जा रहे हैं और सहमति तबे हैं तो भाई पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, तो सरकार मान्यता दे रही है तो ये काम तो होंगे ही भाई। पर हमारे दर्शक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कह रहा होगा भाई किस कारण था वह छोरी छोड़ी गई है, वो हमारे दर्शक कमेंट बॉक्स में बताओगे, और इस वीडियो ने जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो ताकि आगे ये घटनाएं कुछ ना कुछ रुक जाए भाई। हम तो यही कोशिश करा कि खबर दिखाने का मतलब यो भी होगा कि जानकारी देना नहीं, सिर्फ लोग जागरूक भी हुए, शिक्षित भी हुए, सजग भी हुए, सतर्क भी हुए, यो हमारा काम है। तो शेयर कर दियो इसने और भी लोग इसने देखे जागरूक होंगे सतर्क होंगे, या अपील हमारी आप कर दो वीडियो ने शेयर में हूँ आपकी गलिया अभिमन्यु शर्मा।